अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा। मेरे साथ मौजूद हैं आरजे आकाश और आप सुन रहे हैं शो तलाश। अस्सलाम वालेकुम आकाश, कैसे हैं, क्या हाल हैं, कैसे मिजाज हैं, दिल का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है। चला भाई, बिल्कुल मेरे दिल का मौसम भी जब आज हमारे कराची के प्यारे मौसम की तरह हो रहा है और हमारे सामईन भी यकीनन जो है वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई कैसे हैं सामईन आप लोग, और आप लोग हमें बता सकते हैं आप लोग हमारे शो के बारे में और मौसम के बारे में भी हमें बताएं कि आप लोग इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। आप लोग हमारे शो में शामिल हो सकते हैं बाय मैसेजिंग 0330-86-000-72। जी लिसनर्स, आरजे आकाश ने बताया कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीके कार सिंपल सा, आसान सा, अपना प्यारा सा नाम लिखेंगे, दुनिया के किस कोने से आप हमारा शो सुन रहे हैं ये लिखेंगे और अपना प्यारा सा पैगाम, अपनी कहानी, अपनी मिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री जो है वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे होंगे और अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगता है, कैसा लगा आज का शो ये भी बताइएगा, पिछला शो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अब मज़ीद आप हमें फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट और जहां से आप हमारा शो सुन रहे हैं आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप नई सुबह .org/radio NAISUBAH.org/radio। आरजे आकाश, पिछले हफ्ते भी हमने पहली जो है वो अपने लिसनर्स के साथ शेयर की थी और उससे पिछले हफ्ते भी एक शेयर की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी पहेलियाँ, बड़े ही इंटरेस्टिंग से सवाल आप हमारे लिसनर्स के लिए लेकर आ रहे होते हैं। अच्छा, हमारे शो में ज़रा तड़का लग जाता है, एक तो मिस्टीरियस स्टोरीज जो है हम अपने लिसनर को सुना रहे होते हैं, साथ साथ ऐसा सवाल जिस पे पहले ही लिसनर्स हैरान परेशान होते हैं कि ये कहानी में क्या हुआ, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, कब हुआ, उसके बाद फिर उनको अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है कि भाई ये कैसा सवाल है। तो पिछले हफ्ते भी हमने एक सवाल पूछा था और सवाल गालबन कुछ यूं था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पानी पीने से मर जाती है या पानी से मर जाती है, क्या है वो। और जाकर सवाल एक मैं तो रिपीट कर दूं दोबारा, हमारे पास कमेंट भी मौजूद हैं, वो भी शामिल करें। जी तो तला भाई, आपके लिए भी सवाल रिपीट करूंगा और अपने समय के लिए भी। तो हमारा सवाल था कि वो कौन सी चीज़ है कि जो पानी पीने के साथ ही मर जाती है, यानी जो पानी पीते ही मर जाती है। तो तला भाई, आपको भी मौका देते हैं और हमारे सामाइन को भी थोड़ा सा मौका देते हैं कि भाई आप लोग भी जब वो दोबारा इस चीज को दोहरा लें। सही आरजे आकाश, वो कौन सी चीज़ है जो पानी पीते ही मर जाती है, तो ये हम अपने लिसनर से भी पूछेंगे। हमारे पास कुछ कमेंट्स भी मौजूद हैं और मैं कमेंट्स के बाद बताऊंगा, फिर अपना भी जवाब बताऊंगा और फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या हमारा आंसर सही था या सही नहीं था। अभी हमारा तो इब्तदा है, अभी तो देखें आगे आगे क्या होता है। हमारे पास आज भी अपनी रिवायत के मुताबिक एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मौजूद है, हम वो शेयर करेंगे और आपके पास कोई स्टोरी है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी हिस्ट्री, कोई ऐसी मिस्ट्री आप जो सुनना चाहते हैं, आप चाहते हैं उस पर आरजे आकाश और आरजे तलहा जो है वो अपना तबसरा दें और हम उस पर गुफ्तगू करें, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, जहां हम मौसम की बात करते हैं आरजे आकाश, हम पूछते हैं कि आपके दिल का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है। शहर कराची का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है और यकीनन अल्लाह ताला हमारे दिलों के मौसम को भी जो है वो खूबसूरत करे, हमारे दिलों को भी आबाद करे और कराची के मौसम को जहाँ बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो रहा है, तो ये बाईस रहमत हो, बाईस जहमत हमारे लिए ना बने। तमाम जो लोग मुश्किलात में आपको फंसे हुए दिखें उनकी ज़रूर मदद करें, ज़रूर उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें। और मेरे ख्याल से आरजे आकाश, मैं ना आज आपसे फरमाइश करने लगा हूँ कि हम अपने शो का जो पहला गाना है ना वो फिर आपकी आवाज़ में सुने। और मौसम इतना खूबसूरत है, आपने बताया आपके भी दिल का मौसम जो है वो गार्डन गार्डन हुआ रखा है, तो फिर कुछ सुना दें आज हमारे लिस्टनर्स को। जी तो तला भाई, आपने जैसे फरमाइश की और हमारे सामईन के लिए भी, तो थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि मैं गुनगुनाऊं, क्योंकि गाना तो मुझे ऐसे नहीं आता ऐसे, क्योंकि कभी मैंने जो है वो इस तरीके से गाया भी नहीं है और मतलब कभी रहा नहीं है इस तरह से शौक, लेकिन म्यूजिक सुनने की वजह से थोड़ा बहुत गुनगुना देता हूँ मैं, आपकी फरमाइश पूरी कर लेते हैं। बेहद शुक्रिया आपका। जी तो ओके सामाई, देख लेते हैं भाई कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। आज मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने। बेहतरीन लिसनर्स, इसी के साथ जाते हैं हम अपने पहले म्यूजिकल ब्रेक के बाद। उसके बाद वापस आएंगे और आपसे मजीद ढेर सारी बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे साथ जो तलाश के अंदर मौजूद हैं आरजे आकाश। वेलकम बैक सामाइन। तो हम आ गए हैं वापस और आप सुन रहे हैं शो तलाश। ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, और मौसम जैसा कि हमारा कराची का बहुत खूबसूरत हुआ है आजकल और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। तो इसी हवाले से आरजे तला भाई जो हमारे साथ बात कर रहे थे, और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं बाय मैसेज 0330-86-000-72। आपने सिंपल अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, मैसेज लिखना है और सेंड कर देना है। तो शामिल हो जाइए हमारे साथ, अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हैं हम अपने शो के दूसरे हिस्से की तरफ। तो तला भाई, जी बिल्कुल आरजे आकाश, और आज की स्टोरी खासी यूनिक और खासी मुख्तलिफ ही है। मैंने जब इस बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आकाश, आज भी इस दौर में 2024 के इस दौर में, जब हमें लगता है, हम ये मानते हैं और खासा हकीकत पर मबनी भी ये बात है कि हम दुनिया के हर कोने में जा सकते हैं, दुनिया के हर इंसान से शायद हमारा रابطہ हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में इस वक्त भी ऐसे कुछ मकामात हैं जहां पर इंसान रहते तो हैं लेकिन इंसानों से रابطہ नहीं है। मैं इस दुनिया की बात कर रहा हूँ, मैं चांद की नहीं बात कर रहा कि चांद या सूरज या मरीख की बात कर रहा हूँ, हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें, इतने सारे बर्रे आज़म हैं, लेकिन ख़ास मैं बात करूँ बर्रे आज़म एशिया, जिसमें इंडिया के आसपास, इंडिया बांग्लादेश हमारे आसपास का ऐसा ऐसा इलाका, ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर इंसान रहते हैं और उनसे अभी तक कोई रابطہ नहीं कर सका, ना वो लोग रابطہ करना चाहते हैं ना हम उसे रابطہ कर पाते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी बिल्कुल, खासी इंटरेस्टिंग बात है, और मैंने भी उस बारे में जब पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। अच्छा, इस बारे में एक मतलब खासी छोटी छोटी स्टोरीज उस हवाले से मौजूद हैं। क्या मौजूद है स्टोरीज कि उन लोगों ने, मतलब जो हमारे दौरे जदीद के लोग हैं, उन लोगों ने, उस दौर के लोग, यानी वो जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, एंडमैन आइलैंड जो है वो, गालिबन अगर मैं नाम इसका गलत ना ले रहा हूँ, ये वो जगह जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2018 के आखिरी कोशिश थी जब किसी इंसान ने, इनफरादी तौर पर एक इंसान ने जाकर जो है उस आइलैंड के लोगों से बात करने की और वहां पे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। अच्छा, आज इस जगह के मामला ये है कुछ के, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, अच्छा ये ना इंडिया की टेरिटरी में आता है, इंडिया इसको अपना हिस्सा मानता है, लेकिन अब यकीन माने इंडिया के अपने जो लोग हैं ना, इंडिया में वैसे आप देखते हैं खासी मुख्तलिफ मुख्तलिफ जुबानें हैं। इस जगह के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इस बारे में कहा जाता है कि जब इंसानियत की इब्तिदा हुई और उसके बाद जो है वो अफ्रीका से जो है वो इंसान निकले और फिर पूरी दुनिया में जो है वो फैलना शुरू हुए, तो उनका कहना है कि अफ्रीका से जब इंसान निकले तो वो यहाँ इंडिया में भी आकर बसे, लेकिन कुछ ऐसा था जो बिल्कुल ज़मीन पर रहते थे उनके बारे में तो ये माना जा सकता है कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है, ज़मीनी रابطہ क्योंकि कायम था, आसानी से गुजर बसर होता था। लेकिन जो लोग इस तरह के आइलैंड पे रहा करते हैं उन लोगों के लिए बड़ा मसला ये था कि लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते, ना उनसे कम्युनिकेट कर पाते। अच्छा, आज के लोगों के बारे में भी ये है, ये खुद कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ये खुद नहीं चाहते कि आज हमारी दुनिया के साथ आकर मिले। बारे में जो बुनियादी मालूमात हैं उनके मुताबिक तकरीबन 572 आइलैंड का जो है, ये छोटे छोटे जजीरों का जो है पूरा सिलसिला है, जिसमें से 38 पर जो हैं वो लोग रहते हैं, बाकी 572 में से सारे जो आइलैंड हैं वो बयाबान हैं या फिर वहाँ पे इंसान नहीं रहते। अगर रहते भी हैं तो किसी ने जाके चेक नहीं किया, कोई किसी ने जाके कोशिश नहीं की कि वहाँ पे आबादी शुरू करे या वहाँ जाके रहना शुरू करे या जो भी मामला। अच्छा, उसमें से भी 38 में से भी सिर्फ 12 आइलैंड इस तरह के हैं जिन पर टूरिस्ट का जाना अलाउ है। अच्छा, इन लोगों के बारे में बिल्कुल शुरू शुरू के अंदर जब इंसानों को, लोगों को पता चलने लगा, जब
برطانیہ نے جو ہے یہاں پہ برے صغیر پہ قبضہ کیا اور اس طرح کے, تو اس وقت کے لوگوں کا یہ ماننا کہ وہاں پر ان آئی لینڈس پر جو لوگ رہتے ہیں وہ آدم خور لوگ ہیں جو انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں. یہ ایک کانسیپٹ ہے اس کے, ہم جیسے کہ ہمارا شو ہے مسٹیریس, تو اس بارے میں ہمارے لسنرز ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ کیا ان کا ماننا ہے کہ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو انسانی گوشت کھاتے ہیں, جو انسانوں کو کھا جاتے ہیں. ویسے تو جب انسان اپنی درندگی پر آتا ہے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. بالکل. لیکن اس آئرلینڈ کے بارے میں باقاعدہ طور پہ, اچھا وہ ان کے پاس اگر کوئی جانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے تیر کمان نکال لیتے ہیں اور اپنی برچیاں نکال لیتے ہیں, حملہ کرتے ہیں اور کسی کو بھی اس آئرلینڈ پر اترنے نہیں دیتے, نہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کی زبان بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی. اچھا مزید اگر اس بارے میں بتاؤں, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2018 میں جو ہے وہ ایک آخری ایک کوشش کی گئی, جان نامی ایک شخص جو مذہبی طور پر کرسچن مذہب کو فالو کرتا ہے, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تبلیغ پر لوگ نکلتے ہیں, ہمارے یہاں باقاعدہ گروپس کی صورت میں نکلا جاتا ہے اور لوگ جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر سفر کرتے ہیں, کیمپنگ کرتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اسی طرح یہ جو جان نامی شخص ہے یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں نے اب بس کرسچینٹی کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانا ہے, اور جب وہ سرچ کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی جو یہ آئرلینڈ ہے یہاں پر جاؤں گا اور یہاں جا کر جو ہے اپنے مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ کروں گا اور یہاں کے لوگوں کو بتاؤں گا, یہاں سے کمیونیکیٹ کروں گا, دنیا کے ساتھ کنیکٹ کروں گا. یہ جو جان صاحب ہیں یہ ایک مچھیرے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں, ایک کشتی والے کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس آئرلینڈ پر جانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا تھوڑی دور ہی آئرلینڈ کے یہ مچھیرے کو بولتے ہیں آپ یہیں پہ رک جاؤ, میں اکیلا جو ہے وہ کوشش کروں گا جانے کی, اور کچھ سامان ان کے پاس ہوتا ہے, ایک فٹ بال ہوتی ہے, ایک چھوٹی کشتی ہوتی ہے جس پہ ایک بندہ سفر کر سکتا ہے نا, تو ایک ان کے پاس سامان ہوتا ہے, بائبل کتاب ہوتی ہے, کچھ مچھلیاں ان کے پاس ہوتی ہیں کہ تحفتاً جو ہے وہ میں اس آئرلینڈ کے لوگوں کو دوں گا, اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ اس ایک اکیلے بندے کی انفرادی کشتی کے اوپر سوار ہوتے ہیں, آئرلینڈ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کے جو لوگ ہیں وہ بالکل مشتعل ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی بندے کو اس آئرلینڈ پر اترنے کی موقع بھی نہیں دیتے. صحیح. اچھا وہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے, کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کروں, ان سے بات کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں وہ, لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بالکل بات کرنے کو راضی نہیں ہوتے, وہ تیر جو ہے وہ کمان میں لگا کر اس کی طرف حملہ کرنا شروع کرتے ہیں, اور یہ جان صاحب جو ہیں یہ جان بچا کر پھر دوبارہ جو ہے بھاگ کر اپنی کشتی تک پہنچتے ہیں. اچھا پھر یہ جو ہے ڈائری لکھتے ہیں, اور ڈائری کے اندر باقاعدہ وہاں کی نا چیزیں لکھتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں, وہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس آئرلینڈ پر کیا ہے. جان صاحب دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں دوبارہ جاؤں اس آئرلینڈ پر اور جا کے وہاں کمیونیکیٹ کروں اور بات کرنے کی کوشش کروں اس آئرلینڈ پر, لوگوں کو اپنا مذہب جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کروں, لیکن ان پر دوبارہ سے حملہ کیا جاتا ہے, اور ان کی خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو چلایا ہوا تیر ہوتا ہے وہ ان کو نہیں لگتا, ان کے ہاتھ میں جو بائبل کی کتاب ہوتی ہے اس پر جو ہے آ کر تیر لگتا ہے اور ان کی جان بچ جاتی ہے. اچھا اب سنگل پرسن والی کشتی ہوتی ہے وہ بھی چھین لی جاتی ہے, اور یہ بیچارے سوئمنگ کرتے ہوئے جیسے تیسے اپنی کشتی پر پہنچتے ہیں اور وہاں اپنی ڈائری پہ دوبارہ سے لکھتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے نام ایک پیغام لکھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس چیز کو نہیں مان رہے, اور یہ خدا سے جو ہے وہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ میں جو ہے ان کو تیرا پیغام پہنچا کر رہوں گا. اچھا پہلے تو ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ یار مجھے جان کا خطرہ لاحق ہوگا, تو یہ اپنے گھر والوں کو لکھتے بھی ہیں کہ اگر میری جان چلے جائے تو ان لوگوں پر بلیم نہ کیا جائے, یہ لوگ میرے جو ہے وہ قاتل نہیں ہوں گے, میں اپنی مرضی سے یہ سب کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا اس کے بعد میرا یہ بتاتا ہے کہ جب تیسری مرتبہ وہ جان صاحب جاتے ہیں اس آئرلینڈ کی طرف تو وہ پھر واپس نہیں آ پاتے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کسی شخص کی بلی دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے کپڑوں سے پہچانا کہ وہ جان ہی تھا جس کو انہوں نے مار دیا تھا اور اس کو بلی چڑھا دی. تو یہ اس طرح کے مطلب درندہ صفت لوگ وہاں پر رہتے ہیں, اور انڈیا کی گورنمنٹ نے بین کیا ہوا ہے کہ اس آئرلینڈ کے قریب کوئی نہیں جائے گا, اور ان لوگوں کو ان لوگوں کے ہی کلچر کے اندر وہیں پہ ان کے رہن سہن کے اندر ہی رہنے دیا جائے. اچھا اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی, میں آپ کو آگے مزید بتاؤں, اور بہت سارے جو ہے وہ لوگ بہت سارے جہاز, جب ہم بات کریں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ وہاں پر پہنچتی ہے
और वो उस आइलैंड के करीब से गुजर रही होती है, तो वो देखते हैं इंसान वहाँ पर रहते हैं। इस तरीके से इस आइलैंड की जो हिस्ट्री जो है वो वजूद में आई। इसके बाद मजीद जो है वो 1867 के अंदर इंडियन मर्चेंट जो शिप थी वो हादसे का शिकार होती है और वहाँ पर 100 अफराद तकरीबन उस जहाज़ के अंदर रहते हैं, सफ़र करते हैं, और वो लोग बड़ी मुश्किलों से जो है अपनी जान बचाते हैं, क्योंकि ये आइलैंड के जो लोग हैं वो उन पर भी हमला कर देते हैं। और मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन बिल्कुल दुनिया से अलग हमने रखा हो, वो लोग खुद इस दुनिया से अलग रहना चाहते हैं। अच्छा, मज़ीद अगर बात करें तो एक बरतानवी जो है वो ऑफिसर होता है आर्मी का, जब बरतानिया ने बड़े सगीर पर जो है कब्ज़ा किया, तो वो वहाँ पर जाने की कोशिश करता है और वो देखता है कि इनसे कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, जिस तरह के हमने बताया कि 38 के करीब आइलैंड हैं जिन पर इंसान मौजूद हैं और उनसे खासे आइलैंड पर जो है वो कम्युनिकेट किया जा सका है, लोगों से रब्ता भी किया, वहाँ पर अब 12 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर टूरिस्ट भी जाया करते हैं। तो उस भी जो ऑफिसर था उसने क्या किया कि कुछ दूसरे आइलैंड से लोगों को जो है वो अपने साथ मिलाया और कोशिश की कि इस आइलैंड पर जाकर कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, वहाँ के लोग रब्ता करना बिल्कुल चाहते ही नहीं है। अच्छा, उस बंदे ने तजुर्बे के तौर पर क्या किया कि वहाँ से उसने देखा कि एक बूढ़े आदमी और औरत को उठाया और वहाँ पर कुछ बच्चे थे, उनको अगवा करके वो अपने साथ लेकर गया और उसने चाहा कि इनको यहाँ रखे और यहाँ रखेगा जहाँ से बात उनसे मिलेगा जुलेगा, उनसे कम्युनिकेट किया जा सकेगा, उनकी सकाफत के बारे में जाना जा सकेगा या उनके बारे में और मालूमात मालूम होंगी। लेकिन सही, जैसे आप देखें, अगर हम बात करते हैं, हमने पिछले शो के अंदर बात की थी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, ये हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मछली को पानी के बाहर निकालते हैं हम, तो मछली जो है वो रह नहीं पाती, मर जाती है। बहुत सारे ऐसे परिंदे, बहुत सारी ऐसी मखलूकात होती हैं जो अपने एक एनवायरनमेंट में रहती हैं और उनको जब उस जगह से दूर कर दिया जाए तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाती, वो मर जाती हैं। तो वो जो बुजुर्ग थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। फिर उस बरतानवी ऑफिसर ने उन बच्चों पर तरस खाते हुए उन बच्चों को कुछ तहफ दिए और उन बच्चों को वापस उनके आइलैंड पर छोड़ दिया। अच्छा, लोगों का ये भी मानना है आकाश कि उन बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि यकीनन वहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल कदीम ज़माने पर रहते हैं, वो फसल उगाना भी नहीं जानते, वो सिर्फ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर बसर होती है कि वो जो दरख्तों पर लगने वाले फल हैं वो खाते हैं, या फिर वो हंटिंग करते हैं, शिकार करके खाते हैं, या फिर वो समंदर से मछली करके खाते हैं, या फिर रिकॉर्ड के मुताबिक, एक ख्याल के मुताबिक कि वो इंसानों का गोश्त भी खा जाते हैं। लेकिन इस बात के बारे में, यानी बिल्कुल ही स्टोन एज के जमाने में रह रहे हैं वो लोग अभी तक, स्टोन एज के जमाने में रह रहे हैं आज भी 2024 के दौर में भी। आप भी जब इस आइलैंड के बारे में गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वही सारी मालूमात निकल के आएंगी जो बिल्कुल स्टोन एज वाला दौर है और वहां पर पत्थरों का जमाना है और तीर अंदाजी और लकड़ी से बनाए हुए घर और लकड़ी से बनाई हुई चीजें, पत्थरों से बनाने वाली सारी चीजें, बिल्कुल ऐसा ही। वहाँ के लोग बेलिबास होते हैं, कोई लिबास नहीं पहनते और कुछ एक मखसूस तरीक़ेकार है कि कुछ हाथों पर, अपनी कमरों पर और अपने सर पर जो है वो कुछ बांधते हैं और तीर, हर बार तीर और कमान उनके पास होता है, इस तरह के रहने वाले लोग। बहरहाल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे हम अगर बात करें तो पाकिस्तान में भी इस तरह होगा कि कुछ ऐसे लोग, जिस तरह हमारे खासे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर हम पढ़ाई करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने कदीम लोगों पर, पुरानी सकाफत के ऊपर जो है वो तहकीक करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, मुख्तलिफ जुबानें सीखते हैं। तो इसी तरीके से इंडिया के जो है वो एक शख्स त्रिलोकनाथ पांडे जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो एक टीम बनाते हैं 20 अफराद की, क्योंकि खासे पहले के जो एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं रहे होते। जब भी इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है ये लोग हमला कर देते हैं और बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। तो वो 20 लोगों की एक टीम बनाते हैं जिसके अंदर उनके पास साइंसदान भी हैं, जिसमें उनके पास जो है फौजी भी हैं और खासे और भी मजीद गवर्नमेंट के लोग भी थे उनके पास, के गवर्नर्स वगैरह, और वो सब मिलकर जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल इनकी जानिब से उसी तरह का जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है और वो नहीं आगे से कम्युनिकेट करना चाहते। अच्छा, यहाँ के लोगों के बारे में ये चीज़ अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि ये खुद हमसे रब्ता करना नहीं चाह रहे। बीच में एक थोड़ा सा एक अच्छा हुआ कि 1990 के दौर में एक खातून जो है, इंडियन खातून जाती हैं और वो तोहफे लेकर जाती हैं, तो उनसे तोहफे ले लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यही देखा गया कि फिर उसके बाद मजीद जो भी लोग गए, चाहे ख़वातीन गई हों उनके साथ या नहीं गई हों,
यहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल कम्युनिकेट करना नहीं चाहते, और क्यों नहीं चाहते इसकी कोई वजह किसी को नहीं मालूम कि भाई क्यों नहीं करना चाहते। आज के दौर में अगर हम बात करें तो हम उनके लिए अजूबा और वो हमारे लिए अजूबा, तो ये इस दुनिया का और एशिया का मिस्टीरियस, मैं कहूँ कि आयरलैंड या मिस्टीरियस लोग जो हैं इस एशियाई लोगों में से, अफ्रीका के यकीनन ऐसे कुछ होंगे शायद मकामात जहाँ पर अफ्रीकी लोग ऐसे होंगे जिनसे बिल्कुल रापता नहीं हो सकता होगा, तो ये एशियाई लोग हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर यही है कि देखें ये जो लोग हैं मतलब नोटेड जो आपकी वर्ल्ड की जो मतलब एक इस वक्त जो ग्राफ है उसमें यही लोग जो वो आपके हैं जिनसे जो वो मतलब इस तरीके से रापता नहीं हो सका, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम अफ्रीका में देखें तो वो जो अफ्रीका में लोग अगर हैं भी ऐसे कि जिनसे रापता नहीं हुआ तो वो मतलब इस तरीके से सामने नहीं है दुनिया के, डिस्कवर्ड नहीं है, तो इस वजह से उनसे जो वो रापता नहीं, लेकिन ये लोग तो डिस्कवर्ड हैं और काफ़ी टाइम से हैं, आज से भी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा एक मतलब मिस्टीरियस जो है वो मतलब एक ट्राइब है। तो इसी के साथ हम लोग सामयिक ब्रेक पर चलते हैं, तो उम्मीद है कि आप शो एंजॉय कर रहे होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लिसनर्स, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप सुन रहे हैं शो तलाश, मैं हूं आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त और प्यारे से होस्ट आरजे आकाश। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलेंगे और आज देखेंगे आरजे आकाश हमारे लिए क्या लेकर आए। अच्छा आकाश, आंसर हम कॉमेंट के साथ बताएंगे, अभी तो मेरे ख्याल से हम अपनी पहली की तरफ चलते हैं। तो सामईन, अगली जो आपकी जो कल की पहेली जो मैंने पिछले शो में पूछी थी उसके आंसर्स हम बाद में अनाउंस करते हैं, तो पहले आज आपको इंतजार की जहमत नहीं देते और हम अपनी पहेली की तरफ चलते हैं। तो वो कौन सी चीज है कि जो धोने से गंदी हो जाती है? क्या 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 सवाल पूछा है आपने? वो कौन सी चीज है कि जो धोने से गंदी हो जाती है? क्रिंज, मतलब धोने से गंदी हो रही है, कौन सी चीज है? जी हाँ, धोने से गंदी हो रही है। बाकी चीजें ऐसी होती हैं कि जो धोने से साफ हो रही होती हैं, लेकिन ये चीज जो है हमारी ये धोने से गंदी हो रही है लिसनर्स। अच्छा 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 अच्छा, मुझे एक चीज का शुबा हुआ है लेकिन मैं ना आरजे आकाश आपको ना पर्सनल पे बताऊंगा, मैं अभी यहाँ पर सबके सामने नहीं बताऊंगा, क्या पता कि मेरा आंसर ठीक भी हो और फिर मेरा आंसर ठीक हो। अच्छा आरजे आकाश, कुछ कोई रखे ना कोई तोहफा, कोई इनाम तो रखे, अगर मैं आपको कोई सही आंसर बताऊं किसी पहली का तो मेरे लिए जो है वो क्या इनाम, क्या तोहफे का इंतजाम है आपके पास? आपके लिए इंशाल्लाह जो वो खाने का इंतजाम करेंगे भाई, जहाँ चाहें आप। ये तो जबरदस्त हो गया, मतलब आरजे आकाश से ट्रीट लेने का मौका मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ पे बताऊँ आंसर या आपको पर्सनल में बताऊँ? नहीं नहीं, आप मुझे वो आंसर आप पर्सनल वाइज दें, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो सामईन हैं वो भी ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ये काफ़ी जो है एक स्ट्रेंज चीज़ है और एक मतलब ऐसी, हमारे सामईन वैसे तो बहुत ज़हीन है, कईयों के जहन में आ गई होगी चीज़, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पहले हमारे सामईन थोड़ा सा जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर कर लें। अच्छा वैसे बिल्कुल ना, आज की पहली आपने बिल्कुल ऐसे ही बताई है जैसे कि हमने बात की ना, ये नॉर्थ सेंट्रल के जो लोग हैं इनके बारे में बताई कि दुनिया से बिल्कुल ही अलग हटकर हैं। आपने पहली भी आज की बिल्कुल ऐसी बताई है, दुनिया से हटकर वो कौन सी चीज है जो धोने से गंदी हो जाती है? पहली की जो है वो समझे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पहली की शान ही है कि पहली मुश्किल हो थोड़ा सा, ताकि हमारे सामईन को भी और हमें भी जो है थोड़ा दिमाग चलाने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसा करते हैं कि अपने लिसनर्स को जो है वो सोचने का मौका देते हैं और हम जाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मजीद आप लोग के जो है वो कमेंट शामिल करेंगे और मजीद अपने शो को आगे बढ़ाएंगे। तो लिसनर्स कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, मैं हूँ आपका दोस्त आरजे मोहम्मद तलहा। साथ साथ ये बताता चलूँ कि आपके साथ आरजे आकाश मौजूद हैं जिन्होंने एक पहेली आपको बताई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग पहेली बताई है। आप किस तरीके से उसका जवाब जो है वो हम तक पहुँचा सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0330860072, आसानी आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं, अपना प्यारा सा नाम बताएं, अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि हमारा शो आपको कैसा लगता है और आरजे आकाश की पहेलियाँ आप लोगों को कितना जो है वो सोचने पर मजबूर करती हैं। तो कहीं मत जाएं, ब्रेक से वापस आते हैं, मज़ीद अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक, तो सामईन हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और आप सुन रहे हैं शो तलाश और हमारा पहेली
वाला सेगमेंट भी जो है वो पूरा हो चुका है भाई, जिसमें एक पहेली मैंने आपसे पूछी है और उम्मीद है कि आप लोग उसके ऊपर गौर कर रहे होंगे और हमारे शो को एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे प्यारे दोस्त और इस शो के होस्ट आरजे तलाब भाई। तो तलाब भाई, आरजे आकाश, आपने तो मेरा नाम ही जो है ना वो आरजे तला भाई रख दिया। भाई मेरा नाम सिर्फ तला है, आप आरजे तला बोल सकते हैं, भाई कोई नहीं कह सकता मुझे। आरजे आकाश, ये आप मेरे लिए तो नुकसान की बात कर रहे हैं, आप तो सब मेरे मुझे भाई बोलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। ओके हम अपने शो में जो है वो कमेंट्स शामिल करते हैं। हमारे साथ सबा जो है वो पिछले शो में भी मौजूद थी और वो कंटिन्यूसली हमारा शो जो है वो सुन रही हैं, पसंद कर रही हैं। उनको पहेलियों वाला जो सेगमेंट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और उन्होंने आंसर दिया है इसका प्यास, जो हमें प्यास लगती है। इसके अलावा हमारे पास कमेंट मौजूद है निगत महापारा का, और उन्होंने हमारा शो सुना, पसंद किया, उनको अच्छा लगा शो, और बेहद शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों ने हमारा शो सुना, पसंद किया। मज़ीद भी सुनते रहिए और इस पहेली का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि वो कौन सी चीज़ है जो धोने से गंदी हो जाती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और आंसर इस पे कीजिएगा। और जगाश, आपके पास कमेंट मौजूद हैं तो वो भी मजीद शामिल कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया कि आपने जो वो हमारे आंसर के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, अपने फीडबैक का इजहार कर रहे हैं और हमारी पहेलियों के ऊपर गौर कर रहे हैं। माशाल्लाह आपका दिमाग जो है वो बहुत तेज है, हमारे सामने माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है और इस पहेली का आंसर भी जो है वो आपने जो वो बिल्कुल सही दिया है। जो सभा मैडम ने जो कमेंट किया था तो वो उन्होंने बिल्कुल सही जो है वो आंसर दिया है। जी हाँ बिल्कुल है, सही है, जो पानी पीने से मर जाती है तो वो है प्यास। बिल्कुल सही चले आंसर है चले, आपका। मुबारक हो तो कमेंट सबा, करते आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। तो सामईन, हमारा शो का वक्त भी इसी के साथ जो है वो अपने अख्तितम की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपने शो को एंजॉय किया होगा। तो लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपना ख्याल रखें, आज के ये जो मौसम चल रहा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि जो है वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और आप अपना जो है वो ख्याल रखें और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर अमल करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अपना ख्याल रखें, जो आपका ख्याल रखते हैं आप उनका ख्याल रखें और सलामत रहिए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बेहद शुक्रिया आरजे आकाश आपका भी कि आपने हमारे लिसनर्स के लिए वक्त निकाला, मेरे लिए वक्त निकाला कि आप मेरे साथ मिलकर शो कर रहे हैं और हमारे लिसनर्स के लिए इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत जो है और इंटरेस्टिंग से सवाल लेकर आ रहे हैं। तो लिसनर्स, आप लोगों ने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है, हमारे फेसबुक पेज पर जाना है, हमें कॉमेंट करना है। हमारा फेसबुक पेज है नई सुबह इंस्टीट्यूट, और आपने जाके पेज विजिट करना है, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0330860072। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे और अपने मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखेंगे, मौसम चाहे जैसा भी हो आपने अपने अपनों का ख्याल रखना है और अपना भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप हमारा शो सुनते हैं और हम दोनों को आपकी खासी फिक्र है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।